एससी के चार जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सरकार में मचा हड़कंप। पीएम ने लॉ मिनिस्टर को बुलाया। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में चार जज ने न्यायपालिका की खामियों की शिकायत लेकर मीडिया के सामने आए तो सरकार में उथल पुथल मच गई। जज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और राज्य मंत्री पीपी चौधरी को बुलाया है। बताया जा रहा है कि सरकार इस मुद्दे को ज्यादा जोर देना नहीं चाहती और इसी वजह से कानून मंत्री को बुलाकर पीएम मोदी जरूरी दिशा निर्देश दे सकते हैं। न्यायपालिका के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य न्यायाधीश पर आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस के बाद दूसरे सबसे बड़े सीनियर जज चेलमेश्वर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो लोकतांत्रिक परिस्थिति ठीक नहीं रहेगी। उन्होंने कहा, हमने इस मुद्दे पर चीफ जस्टिस से बात भी की लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जज ने बताया, 4 महीने पहले हम सभी ने जस्टिस को एक पत्र लिखा था जो कि प्रशासन के बारे में थे। हमने कुछ मुद्दे उठाए थे लेकिन उन मुद्दों को अनसुना किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजों ने कहा कि चीफ जस्टिस पर देश को फैसला करना चाहिए, हम बस देश का कर्ज अदा कर रहे हैं। जजों ने कहा, हम नहीं चाहते कि हम पर कोई आरोप लगाए। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट।